इलम जो है उसको 60 सेकंड्स में रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से हमने अपने फोल्डर का नाम ही शॉर्ट्स रख लिए है कि 60 सेकंड का शॉर्ट तो बनाना बहुत मुश्किल है। चलें जी, इसमें छोटी छोटी बातें करते हैं हम, जो बच्चे एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन है हमारी यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करते हुए। एक और छोटी सी गलती जो बच्चे बहुत करते हैं, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये बहुत ज़्यादा आ जाता है प्रॉफ में कि जी टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, या सेम क्वेश्चन जो है वो एक और हेडिंग के साथ भी आ जाता है, दैट व्हाट आर दी वेरियस मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दोनों का जवाब एक ही होता है, व्हाट आर द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, यहाँ पे अब लोगों को बड़ी आदत होती है कि वो लिख देते हैं कि वो जो साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं ना, पेन, स्वेलिंग, फीवर, वो लिखने बैठ जाते हैं। यार वो साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एग्जामिनर आपको पूछ रहा है टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन या मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत हालांकि आसान से होते हैं, और अक्सर जब पेपर में बच्चे गलत लिखाते हैं तो उसके बाद उनको याद आता है कि वो तो मुझे आते थे। ये क्या क्या है जी, सीरस इन्फ्लेमेशन, सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन, और जो सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन है इसी को ही पुरलेंट इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, इसी को ही पुरलेंट भी कहते हैं। सीरस इन्फ्लेमेशन, सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन द सेम इज द पुरलेंट। उसके बाद फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस, फाइब्रिनॉइड नहीं लिखना, वो नेक्रोसिस होती है, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, इसमें एक्सुडेट पे फाइब्रिन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सीरस हो गया, सपोरेटिव पुरलेंट हो गया, फाइब्रिनस हो गया, फिर एक होती है कटार इन्फ्लेमेशन, ये होती है जिसमें जैसा ये नाक बह रहा होता है, आंखों से पानी बह रहा होता है, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में, जैसे जो सपोरेटिव पुरलेंट है ये मोस्टली स्टेफ ऑरियस में होती है। फिर एट प्लेसेस लिखा होता है जी मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन, ये मेम्ब्रेनस भी होती है, मेम्ब्रेनस आपकी कौन सी क्या है तो सबको पता ही है, डिफ्थेरिया में होता है। ठीक है, डिफ्थेरिया में चूंकि सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है ना ग्रे कलर की, तो उसको मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और फिर इसकी एक टाइप्स कुछ जगहों पे लिखी हुई है, हेमरेजिक भी लिखी हुई है कुछ जगह, कि अगर आपकी वास्कुलर इंजरीज हो जाए या आप में कॉगुलेशन फैक्टर्स की कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारा, ये फिक्स हो गया, द टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसी को ही कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सवाल समझना जरूरी होता है, जवाब सही लिखना जरूरी होता है, और ये क्या क्या है, सीरस, सपोरेटिव, इसी को पुरलेंट कहते हैं, फाइब्रिनस, कैटार, मेम्ब्रेनस और हेमरेजिक।